हम सब के नेता, आप सब के नेता, पूरे देश प्रदेश के नेता, महाराजा सोहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, राष्ट्रीय महासचिव माननीय अरविंद जी, महिला समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राधिका पटेल जी, इस जिले के जानदार शानदार और दो बार के विधायक माननीय दूधराम जी, लिस्ट बड़ी लंबी है, अगर मैं लिस्ट पढ़ूंगा तो ठंड का मौसम है और बहुत लेट हो जाएगा भाइयों बहनों को, इसलिए मैं आज तकरीर न करके आपके मनोबल को, यहाँ पर आई हुई महिलाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक घटना का जिक्र करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा, मगर एक शेर के साथ कि कदम चूम लेती हैं कांटों की राहें, कदम चूम लेती हैं कांटों की राहें, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, हिम्मत न हारे, हिम्मत न हारे। घटना यह है कि जर्मनी एक देश है, जर्मनी के इर्द गिर्द के सभी देश का कब्जा जर्मनी पर हो गया था, फ्रांस भी बगल का एक देश है, फ्रांस देश ने सोचा जब सबका कब्जा जर्मनी पर हो रहा है तो हम न क्यों कब्जा कर लें जर्मनी पर, भारी भरकम फौज लेकर के फ्रांस की सेना ने जर्मनी पर चढ़ाई कर दी। रास्ते में एक पुलिया के नीचे, पुल के नीचे एक महिला कपड़ा धो रही थी, उसने देखा कि फ्रांस की फौज हमारे देश पर कब्जा करने के लिए आ रही है, उसने कपड़ा उपड़ा धोना बंद करके उसे फेंक करके दोनों हाथों में पत्थर लेकर के पुल के ऊपर चढ़ गई और आती हुई फौज के सामने खड़ी हो गई। फौज के जनरल ने जब पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या कर रही हो, तो महिला ने कहा कि अब हम अपने देश को और गुलाम होना नहीं चाहते हैं और नहीं होने देंगे। वो दोनों हाथ के पत्थर को जनरल के मुंह पर तगड़े रूप से दे मारा, जनरल अंधा होकर के गिर गया। फौज की सिपाही जब महिला को पकड़ने दौड़े तो महिला पुल से छलांग लगा के नदी में तैर करके निकल गई। दूसरे दिन पूरे जर्मनी के अखबारों में छपा कि एक मामूली महिला ने फ्रांस की फौज को चैलेंज कर दिया, फ्रांस की फौज को रोक दिया। हर चौराहे पर चर्चा होने लगी कि जब एक मामूली महिला फ्रांस की फौज को रोक सकती है तो हम क्यों नहीं रोक सकते हैं, एक मामूली महिला ऐसा कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। पूरे फ्रांस में इस बात की चर्चा होने लगी और फ्रांस की पूरी जनता ढेला ईंटा पत्थर लेकर के फ्रांस के फौज को भगाने के लिए तैयार हो गई, सड़क पर आ गई और भारी भरकम फ्रांस की फौज को हिम्मत करके भगाने का काम किया। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप महिलाओं के अंदर जरा भी हिम्मत और हौसला पैदा हो जाए तो मैं इस बात को दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि लखनऊ से लेकर के दिल्ली की गद्दी पर आपकी हिस्सेदारी होगी, आपकी भागीदारी होगी, आपकी हिस्सेदारी होगी, आपकी भागीदारी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ।